नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल और आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक, तो हम जो है क्या देख रहे थे, हमारी क्लासेस थी साइंस की और हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड्स, RRB, NTPC और प्लस किसके हिसाब से चल रहा था, ग्रुप डी, CPO और SSCGL। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई ब्लड्स के बारे में, ब्लड्स क्या होता है, ब्लड्स का कलर कैसा होता है, उसका बेसिक और अल्कलाइन नेचर्स क्या होता है, उसका पीएच मान क्या होता है। अब हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड्स के कंपोनेंट्स। ब्लड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं भाई, ब्लड्स जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, सॉलिड पार्ट्स को हम क्या कहते हैं भाई, सॉलिड पार्ट्स को क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में अभी तक हम लोगों ने RBC के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, RBC की सारे कंपोनेंट्स और उसके फीचर्स के बारे में देख लिया। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं आपको, वो हमारा टॉपिक है WBC। WBC का वर्क क्या होता है ब्लड्स में, WBC का क्या नाम है, लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है, WBC का फंक्शन क्या होता है। अगर WBC की कमी हो जाएगी ब्लड्स में तो कौन सी डिजीजेज हमारे शरीर में हो जाएंगी, इसका जीवन काल कितना होता है, इसके नंबर्स, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, साइज कितना होता है, शेप कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक होता है WBC, जिसके बारे में हमने लिखा है ऑलरेडी। WBC को पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसको क्या कहते हैं हम, सफ़ेद रुधिर कणिका। ठीक, पहला पॉइंट होता है सफ़ेद रुधिर कणिका। दूसरा पॉइंट नंबर वन आएगा इसमें, आप लोग नोट करिएगा कि क्वांटिटी कितनी होती है भाई, क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी इसके नंबर्स पाए जाएंगे, संख्या कितनी होगी, मेल्स और फीमेल्स दोनों के बारे में आ सकता है। तो कितनी होती है क्वांटिटी, 8,000 to 10,000 क्या होती है भाई, ये मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होती है, यही क्वांटिटी सेम होती है। कितना होती है ये जानना ज़रूरी हमारे लिए है, कितना होती है, 100 ml HB, मतलब 100 ml में कितनी हो जाएंगी, 8 से लेके 10,000 इसकी संख्या। अगर हमारे पास कितना ब्लड्स है, 100 ml ब्लड है, तो उसमें WBC कितने मात्रा में होगी, संख्या में देख लिया जाए 8 से लेके 10,000 तक होती है। पॉइंट क्लियर हुआ, पहला पॉइंट यही है WBC के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ WBC। पॉइंट नंबर सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ WBC। WBC का निर्माण कहाँ पर होता है हमने देखा था, क्या RBC का निर्माण कहाँ पर होता है भाई, हम कई चीज़ों को उसमें डिस्कस किए थे आपसे, एक बार हम पुनः उसको जो है मेमोराइज कर देते हैं थोड़ा सा पॉइंट। RBC का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है, हमने क्या बताया था, बोन मैरो में। कब होता है बोन मैरो में, जब हम क्या एडल्ट हो जाते हैं, मतलब हमारी एज क्या हो जाती है, आफ्टर द बर्थ के बाद। ठीक है, जब बच्चा कहाँ रहता, इम्ब्रियो में रहता, तो कहाँ होती है उसका निर्माण, लीवर में। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, लाइफ स्पैन कितना दिन होता है, 120 डे, 120 दिन। और हमने क्या नोट कराया था इसमें, ये मरने के बाद कहाँ जाती है, आफ्टर द डेथ के बाद कहाँ जाती है, क्या नाम होता है एक हमारा आर्गन होता है, स्प्लीन, जिसको तिल्ली के नाम से जानते हैं हम लोग, तिल्ली को क्या कहते हैं हम, इसको किस नाम से जानते हैं, RBC का ग्रेवयार्ड, यानी RBC का कब्रग्रह, RBC का कब्रग्रह, अब RBC को जहाँ दफन किया जाता है, ये मतलब होता है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर RBC के बारे में बताए थे, क्या नाम होता है इसका। ठीक, एक चीज़ और होता है इसका, दूसरा नाम क्या होता है, क्या नाम होता है दूसरा, ल्यूकोसाइट्स। तो WBC को क्या क्या किस नाम से जानते हैं, अनदर नाम क्या होता है इसका, ल्यूकोसाइट इज अनदर नेम ऑफ WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की दूसरे नाम क्या होता है, WBC।
क्वांटिटी कितनी होती है, 100 ml ब्लड में 8 से लेकर 10,000 तक का। फॉर्मेशन कहाँ होगा इसका, बोन मैरो, वही चीज़ सेम, बोन मैरो। ठीक, कहाँ पर होता फॉर्मेशन, बोन मैरो में। पॉइंट नेक्स्ट क्या होता है, इसकी क्या होती है, इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, रीजनरेशन, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये पुनर्निर्माण की क्षमता रखती हैं, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक, अब आती है बात साइज की। साइज में देखा जाए, साइज में क्या होती है, इट इज ए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स ऑफ आवर ब्लड। हिंदी मीडियम वालों मैं बता दे रहा हूँ आपको, यह क्या होती है, यह हमारे ब्लड की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका है। हिंदी मीडियम वाले क्लियर हुआ, क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक, ये पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका जीवन काल, पॉइंट नंबर अगला होता है हमारा, हम यहाँ तक लिख सकते हैं मुझे लगता है, लाइफ स्पैन, यानी जीवन काल, जीवन काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 से लेके 4 डे। क्या होता है, हमने क्या बताया, इसका जीवन काल 2 से लेके 4 दिन तक होता है। क्या क्या नोट करा दिया हमने अभी तक आपको, WBC का पूरा नाम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में सफ़ेद रुधिर कणिका, इसका एन अदर नेम होता है, दूसरा नाम क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, ल्यूकोसाइट्स इसको कहते हैं, विच ब्लड सेल इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन में आपको दे देगा, RBC दे जाएगा, WBC दे जाएगा, प्लेटलेट दे जाएगा, या दे दीजिएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, WBC। नेक्स्ट नंबर हमने क्या बताया है, क्वांटिटी, क्वांटिटी की मतलब नंबर्स कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, संख्या कैसे पता चलता है भाई, 100 ml ब्लड्स में कितने नंबर्स होते हैं, 100 ml ब्लड में मेल और फीमेल में दोनों में एक ही जैसा होता है, 8 to 10,000 होता है। क्लियर, अगला पॉइंट हमने बताया क्या भाई, फॉर्मेशन, निर्माण कहाँ पर होता है WBC का, कहाँ पर होता है, बोन मैरो, बोन मैरो के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा पिछली क्लास को, क्या होती है बोन मैरो, इसमें क्या होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, जिसका क्या मतलब होता है, पुनर्निर्माण की क्षमता। ठीक है, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, यानी ये जैसे अगर डेड हो जाती हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं या मर जाती हैं, तो ये पुनः फिर से बन जाती हैं। अगला हमने क्या लिखा, साइज, साइज के बारे में क्या लिखा, इट इज़ ए लार्जेस्ट ब्लड सेल्स ऑफ आवर ब्लड, मतलब यह हमारे रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका हमारे रुधिर की। आगे हमने क्या लिखा है, लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से लेके 4 दिन, कितने दिन की होती है, 2 से लेके 4 दिन। जो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट बनता है, क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। साइज में दे दिया जाएगा सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, तो आप ये भी बता सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कुछ और इसके फीचर्स। रेशियो बिटवीन RBC और WBC, रेशियो क्या होता है भाई, RBC एंड WBC। ठीक, हम क्या लिख रहे जा रहे हैं, रेशियो बिटवीन RBC और WBC, WBC और RBC, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के बीच में अनुपात कितना होता, यानी अगर हमारे ब्लड्स में अगर एक जो है RBC है तो WBC कितनी रहेगी, या फिर एक WBC है तो RBC कितनी होगी, एज ए कुछ इस टाइप्स का कुछ रेशियो होगा जिसको हम देख लेते हैं। तो क्या हमने बताया, अगर हमारे ब्लड में एक WBC है तो RBC कितनी हो जाएंगी, 600, ये अनुपात होता है। क्या हमने बताया भाई, अगर हमारे ब्लड्स में 1 वो WBC है तो RBCs की नंबर्स कितनी हो जाएंगी, 600। दूसरा पॉइंट अगर हम नोट कराएं आपको, WBC में केंद्रक होता है, क्या होता है भाई, केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक क्या था आपको ये समझ में आ रहा, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं हम लोग,
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ये क्या होता है? एक सेलुलर आर्गन होता है। कैसा होता है? सेलुलर आर्गन होता है। सेलुलर आर्गन का मतलब जब हम आपको साइटोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे सेलुलर आर्गन्स के बारे में, ठीक है, साइटोलॉजी जब हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होता है? एक सेल्स का आर्गन होता है जो सभी सेल्स में रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है और ये पाया जाता है। बट अभी हमने पीछे देखा था, आप रिमेंबर करिए पिछली क्लास को, आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने क्या बताया था, WBC में, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, बट WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC का मेन वर्क क्या होता है भाई, और इसको किस नाम से जाना जाता है? कुछ और पॉइंट होते हैं WBC के बारे में, उसको भी हम नोट कराते हुए चलेंगे आपको। WBCs को हम क्या कहते हैं? सोल्डर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर सेल, सोल्डर सेल्स के नाम से जाना जाता है। और अदर के नाम से क्या नाम जाना? गार्ड सेल, गार्ड सेल। और नाम क्या होता है इसका? ये सारे नाम हैं इसके। सोल्डर सेल का मतलब सैनिक कोशिका किसे कहते हैं? सैनिक कोशिका, सैनिक कोशिका, कोशिका। इसके बाद ये कौन है? गार्ड का रक्षक सेल, रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका। अगला पॉइंट आपका आएगा हमारा, क्या रहेगा अगला पॉइंट? इसको किस किस नाम से जाना जाता है? WBC को हम सैनिक कोशिका के नाम से जानते हैं, और क्या जानते हैं? रक्षक नाम से जानते हैं। क्या क्या हमने बताया भाई? इसको शोल्डर सेल, विच सेल ऑफ द नोन एज द शोल्डर सेल या गार्ड सेल? तो आपका आंसर रहेगा WBC। WBC का दो और नामों से जाना जाता है। क्या नाम होता है भाई? सैनिक कोशिका और गार्ड सेल, जो रखवाला करने वाला हो, ठीक है। WBC का मेन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स ऑफ डिजीजेज। यह क्या होती है? हमें रोगों से क्या करता है? सुरक्षा पहुंचाता है, रोगों से प्रोटेक्शन देता है। रोगों से क्या करता है? यह जो रोग होते हैं या बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां से सुरक्षा कहने का मतलब क्या होता है? यह रोगों या बीमारियों से हमें सुरक्षा देता है, ठीक। क्लियर हुआ? हमने अभी तक क्या देख लिया भाई WBC के बारे में? WBC का लाइफ स्पैन। आगे हमने क्या देखा? रेशियो बिटवीन द WBC एंड RBC। तो हमने क्या बताया? अगर एक WBC होगा तो RBC की नंबर कितनी होती है? 6 होती है, 600। WBC में एक और स्पेशल फीचर होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? शोल्डर सेल्स के नाम से जाता है, या गार्ड सेल, या रक्षक नाम से। और इट्स प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, यह क्या होता है? बीमारियों से हमें सुरक्षा देता है, यानी उससे बचाता है। अब आएगा हमारा WBC के टाइप्स, प्रकार, ठीक। WBC का टाइप, कितने प्रकार के WBC होती हैं, ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे हेडिंग में, WBC के टाइप्स। सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट्स कर लीजिएगा। कितने टाइप्स की WBC होती हैं? कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नाम दे देगा डायरेक्टली और आपसे पूछ लेगा कि यह क्या नाम है, ये RBC का टाइप्स है या WBC का टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ WBC, हेडिंग क्या रहेगी आपकी? टाइप्स ऑफ WBC। तो पहले नंबर पे क्या हमारा है? पहले नंबर पे है बैसोफिल्स। क्या नाम है उसका? बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, फिल्स। हिंदी मीडियम वाले सेम नाम होगा ऐसे ही, बैसोफिल, बैसोफिल, ठीक। सेकंड हमारी क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स। सेकंड क्या हमारी है? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सेम नाम, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट हमारा क्या था भाई? हमने न्यूट्रोफिल्स के बाद होगा एसिनोफिल्स, एसिनोफिल, एसिनोफिल्स, सेम नाम, एसिनोफिल। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है?
मोनोसाइट्स, मोनोसाइट सेम नाम मोनोसाइट्स, ठीक है। लास्ट नंबर पे हमारा फिफ्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स, ठीक। ये तो इसका एक टाइप सी हो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ल्यूकोसाइट्स। अब हम एक चीज और देख लेते हैं भाई, हमने कितने टाइप्स के देखा, फाइव टाइप्स के। क्या होती है हमारी WBC, कौन कौन सी होती है, पांच प्रकार की हमारी WBC होती है। कितने टाइप्स की होती है, फाइव टाइप्स की। कौन कौन सी होती है, बेसोफिल्स होती है, और दूसरी क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, तीसरी हमारी स्नोफिल्स, चौथी हमारी मोनोसाइट, और पांचवी हमारी ल्यूकोसाइट्स, ठीक। अब हम इनके देख लेते हैं नंबर, शेप और साइज, कौन बड़ी होती है, कौन कितनी क्वांटिटी में होती है, ठीक है। टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हमें यह जानना चाहिए कि अगर हम मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइव में से कौन सी सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है, या विच वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इन दीज, सबसे ज़्यादा बड़ी कौन होती है, सबसे ज़्यादा छोटी कौन, विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, तो ये सब चीज़ें जाननी होगी। तो ये क्या होती है भाई, सबसे क्या होती है, छोटी, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सभी में सबसे छोटी होती है, क्या होती है, सबसे छोटी है। ये क्या होती है, इसके बारे में क्या लिखते हैं हम, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या होती है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ठीक। स्नोफिल्स के बारे में जनरली अभी तक क्लियर नहीं है कि इसकी नंबर्स क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, क्या होता है, ये एक रेशियो में होता, बट जो है सबसे कम क्या होती है, सबसे कम क्या होती है, ठीक है, नंबर्स ऑफ, ये क्या होती है, सबसे कम, सबसे कम, और ये क्या होती है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो इनके फाइव फीचर्स भी होते हैं, फाइव टाइप्स भी होते हैं, प्लस फाइव फीचर्स होते हैं। हमने क्या बताया, WBC कितने टाइप्स की होती है, पांच प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, बेसोफिल्स पहला, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा होता है स्नोफिल, चौथा होता है मोनोसाइट्स, पांचवा होता है हमारा ल्यूकोसाइट्स, क्लियर। अब आती है इसके फीचर्स के बारे में, सबसे कम कौन होती है, बेसोफिल्स होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, स्नोफिल्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, कोई फीचर्स नहीं होती, सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट्स होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, कौन सी होती है भाई, ल्यूकोसाइट्स, क्लियर दिख रहा है सबको, क्या हमने लिखा है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। बेसोफिल्स क्या होती है, सबसे कम होती है, न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, स्नोफिल्स के बारे में कोई स्पेशल फीचर नहीं होता है, इसलिए यहाँ ब्लैंक है, मोनोसाइट्स क्या होती है, सबसे बड़ी होती हैं, और ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, सबसे छोटी होती है। चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है सब चीज़ें क्लियर हुआ, आप लोग इसको नोट्स कर लेंगे कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर कि सबको, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आता है WBC क्या होती है, हमारी गॉड सेल्स होती हैं, सोल्जर सेल्स होती हैं। तो अगला पॉइंट आएगा हमारा WBC से, WBC की अगर नंबर्स जो हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन सी डिजीज हमारे शरीर में आ जाएंगी, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, अगर WBC ठीक है, लैक्स ऑफ WBC विच डिजीज जनरेट ऑफ आवर बॉडीज, विच डिजीज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, कौन सी बीमारियाँ हमारे शरीर में दिखने लगेंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी होने लगेंगी अगर WBC की कमी से कम हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा पहला क्या होता है, ल्यूकोपीनिया, क्या होता है, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, इसमें बहुत सारी डिजीज एक साथ हो जाती हैं, कौन सा, अगर नंबर आप WBC कम हो जाएगा, WBC की कमी से होने वाले वाली बीमारियां, आप लोग लिखेंगे बीमारियां, क्या हमने बताया, WBC की कमी से होने वाली बीमारियां, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, WBC की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमको, WBC अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी मैनी डिजीज
मैनी डिजीज एक साथ कॉजेज हो जाती है, बहुत सारी डिजीजें एक साथ हमारे शरीर में दिखने लगती हैं, ठीक, लिकोपीनिया जिसको कहते हैं, ठीक, लिकोपीनिया। अगला होता है WBC, अगर ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ WBC इंक्रीज, ये क्या हो रहा है, इन ये इसमें क्या होता है, डिक्रीजेज, कब हो रही है, जब WBC क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ WBC, WBC के डिक्रीज होने पे क्या बताया हमने, ल्यूकोपेनिया, मैनी डिजीज इसमें हो जाती है। एक डिजीज का क्या होता है, क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक दिखने लगा, क्या हमने बताया, डिक्रीज ऑफ WBC, जब WBC की कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है हमारा, ल्यूकोपेनिया, हिंदी मीडियम वाले हम हिंदी में लिख देते हैं इसको ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ठीक। अगर WBC इंक्रीज कर रहा है, WBC, अभी तक तो हमने डिक्रीज देखा, अब इंक्रीज कर रहा है, WBC इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, क्या हो जाएगा हमारा, ल्यूकोमीनिया, बहुत फेमस नाम है ल्यूकोमीनिया का, क्या होता है भाई, ल्यूको जानते होंगे आप लोग, ल्यूकोमीनिया क्या कहते हैं इसको, ब्लड कैंसर, अलग दूसरा नाम क्या होता है, ब्लड कैंसर। कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी होती है जो कि अभी तक जनरली जो छोटे पैसे वाले होते हैं, मे बी इट नॉट पॉसिबल, इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है, ब्लड कैंसर। तो क्या होता है ब्लड कैंसर में, आप ये जान लीजिए, ब्लड कैंसर जब किसी भी पर्सन को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर में क्या हो जाता है, WBC की नंबर जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी नंबर आप WBC का बढ़ना भी हमारे शरीर के लिए घातक होगा और कम भी होना एक घातक होता है। इसीलिए क्या होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं इनका हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस के रूप में होना चाहिए, हमेशा एक बॉडी बैलेंस के रूप में पाया जाना चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको, अगर हमारे शरीर में ब्लड WBC की नंबर्स बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोमीनिया, जिसको हम एक अदर नाम से जानते हैं, क्या होता है, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें एक चीज़ के और होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्या होता है इसमें, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ऑटो इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये जो होता है इम्यून सिस्टम क्या होता है, जनरली हमारे बॉडी में पाया जाता है, इसका मेन वर्क क्या होता है, जो डिजीजेज आती हैं, जो बीमारियाँ आती हैं, ये इससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम ऑटो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में इनबैलेंसी हो जाएगी और बहुत सारी डिजीज हमारे शरीर में दिखने लगेंगे, जिसके सिम्टम्स दिखने लगे, क्या होगा, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, समझ में आया आप लोगों को, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, जब हमारे शरीर में क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज ऑफ WBC, ठीक। समझ में आ गया यहाँ तक, WBC ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारे शरीर में ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है, ठीक। तो ये कुछ बीमारियाँ होती हैं जो WBC की कमी से होने वाली होती है, कौन कौन सी, एक ल्यूकोपेनिया होता है, एक ल्यूकोमीनिया होता है। ल्यूकोपेनिया में क्या होता है, ये मेनली बेसिक बहुत सारे डिजीज का क्या होता है, एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है। सेकेंड होता है ल्यूकोमीनिया, जिसको ब्लड कैंसर के नाम जान, इसमें ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगला पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने का क्या मतलब होता है, मतलब ये हो जाता है कि ऐसा पर्सन उसका इम्यून सिस्टम काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमें प्रोटेक्शन बंद कर देता है, ठीक है, यानी हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करना बंद कर देता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, एड्स वगैरह होने की, HIV जैसी या कैंसर जैसी बहुत ही घातक बड़ी बीमारियां होने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। क्या होता है HIV, क्या नाम होता है इसका पूरा HIV का, ह्यूमन डिफिशियंसी
सिंड्रोम वायरस है, सॉरी वायरस, ये HIV का पूरा नाम होता है, ठीक है। ये एक वायरस है, किस बीमारी में होता है, एड्स में, AIDS। एड्स का पूरा नाम क्या होता है भाई, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंटी सिंड्रोम, ठीक। एक ऐसी बीमारी होती है जब हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो जनरली इस टाइप्स की बीमारी आ जाती है। कहाँ पर देखा गया था सबसे पहले, USA में। कब देखा गया था USA में, 1980 में। इंडिया में कब आता है, इंडिया में कब इंट्री करता है, 1986 में। कहाँ से, केरला। क्या बताया मैंने, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका वायरस का नाम होता है HIV, उसका नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है। ये कहाँ सबसे पहले देखा गया था, USA यानी अमेरिका में। कब देखा गया था, 1918 में, ये भी क्वेश्चन हो सकता पूछ सकता है। और इंडिया में कहाँ से आता है, केरला में। कब आया है, 1986 में, ठीक है। इसकी जो दवा होती है उसका क्या नाम होता है, जिससे इलाज किया जाता है, इलाज क्या किया जाता है, ऐसी दवा होती है जो क्या करती है, इसकी जो बढ़ने की क्षमता होती है, जो इंक्रीज की क्षमता होती है, वो उसको कम करती है, क्या कहते हैं उसको, एजिडोथायमाइडीन। जब कभी आप देखेंगे कि कोई पेशेंट होता है एड्स का, जिसको HIV वायरस हो जाता है, तो उसको इस टाइप की क्या होती है, मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या है, इसको ख़त्म तो नहीं कर सकती, इसका इलाज नहीं कर सकती, इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, बट क्या करती है, ये इसको रोक सकती है, ये प्रिवेंट कर सकती है, मतलब इसको रोक देती है। कहाँ पर, जहाँ पर यह है वहीं पर इसको रोक देगी, ताकि आदमी की लाइफ जो है थोड़े दिन और बढ़ जाए, ठीक है, वो आदमी अपनी लाइफ कम्प्लीटली जी सके, ठीक है। जो टेस्ट होता है HIV पॉजिटिव कैसे पता चलता है, क्या नाम होता है उसका, एलिजा, हिंदी मीडियम वाले एलिजा लिख लेंगे, एलिजा होता है, क्या कहते हैं, एलिजा। और इसका नाम ऐसे ही रहेगा, एजिडोथायमाइडीन। पूछ ले सकता है आपको कि एड्स के पेशेंट को किस प्रकार की या कौन सी मेडिसिन या कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी दवा दी जा सकती है, तमाम सारे उसमें नाम दिए जा सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए एजिडोथायमाइडीन, ठीक। तो ये जो है हमारा WBC कम्प्लीटली आज फिनिश हुआ, ठीक, WBC कम्प्लीटली फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है, आगे जो है अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लेटलेट्स, जिसको PL के नाम से जानता है, प्लेटलेट्स के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप PVR स्टडी को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।